हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंतर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी यकीन का सफर का एपिसोड 33 आइए देखते हैं। अस्वी जी का तैयार हो गए? तैयार तो हो गया हूँ, एक ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहा था। आप इतना तैयार क्यों है? आज तो सैटरडे है, शाम की तो छुट्टी है। मैं शाम को इतना तैयार होकर छोड़ने जाती भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ। जाहिर सी बात है, तुम्हारा इतना रोब है हॉस्पिटल में। अब मैं अगर तैयार होकर नहीं जाती तो लोग बोलते ना कि अस्वन यार की भाभी को बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस नहीं है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही? आज क्या मजाक सुन? देखो, अब सीवी और इंटरव्यू तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर बगैर इंटरव्यू सीवी के जॉब पे रखना है तो मेरी खिदमत हाजिर है, और सैलरी लेती भी तो मैं तुमसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी, तो बगैर सैलरी के काम चला लूंगी। भाभी आपने तो सुबह सुबह मुझे हैरान कर दिया। एक तरफ तो आप किसी की बात नहीं सुनती है, दूसरी तरफ आप खुद हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए तैयार है। खुद ही नहीं हुई, इसके पीछे भी कोई है। आप सीरियसली हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाह रही? यस। तो कौन है वो अजीम इंसान जिसने आपके इनकार को इकरार में बदल दिया? गेस करो। डॉक्टर ज़ूबिया। मामा बाबा और मुझसे ज्यादा अहमियत आप इस गैर लड़की को देती हैं? बिल्कुल नहीं, उसे जेलस होने की जरूरत नहीं है। वो कोई गैर नहीं, वो मेरी दोस्त है। पता है क्या आसी? उसने मुझसे इतनी प्यारी बात की कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसने मुझसे कहा कि अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म और काबिलियत दी है उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उन लोगों के काम आए जिनको आपकी जरूरत है। और उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और बामकसद बनाऊं और लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। लिहाजा आपने उसकी बात मान ली और आज मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाह रही? हाँ। चलें, जिसकी भी बात आपके दिल को लगी। श्योरी। सुबह सुबह यहाँ कैसे? क्यों, जॉब पे सुबह सुबह ही आते हैं? ज्वाइन करिए हॉस्पिटल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। भाभी आए मेरे साथ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। खुद ही तो मुझे इतना इमोशनल किया और अब हैरान हो रही हूँ। नहीं, लग नहीं रहा था कि मेरी बातों से आप कायल हो गई हैं। ना हाँ ना ना में कोई जवाब दिया। फैसला नहीं कर पा रही थी जो सच्ची बात है, कभी हाँ कभी ना। लेकिन मैंने सोचा इससे पहले मैं कुछ नेगेटिव सोचूं, मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। देखिएगा, आपको अपनी जिंदगी बहुत मीनिंगफुल लगेगी अब। हाँ तो हाथ दिखा तुम्हें, दिखाई जी। ओ, अच्छी खबर है जी, अच्छी खबर है। क्या खबर है? आप सुपरस्टार बनने वाली हैं। सच बताएं? हाँ हाँ, आपको कोई बहुत जल्द किसी सीरियल में कास्ट करने वाला है। सच्ची? और आपके पहले फैन होंगे डॉक्टर अस्वन यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्वन, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई आज से पहले आप सब लोग इन्हें डॉक्टर अस्वन यार की भाभी की न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर जानेंगे। दैट्स ग्रेट न्यूज, हमें यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत थी। प्लीज बैठे। Hopefully, मैं आप लोग के काम भी आ सकूं। ये हैं डॉक्टर हारून, जो कि हर वक्त हमें बिना वजह के जोक्स सुनाते रहते हैं। लेकिन हम जब भी हमें से कोई उदास होता है तो इनके पास आ जाता है। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने। वैसे आप ये इंट्रोडक्शन दिखा सकती थी कि ये हैं डॉक्टर हारून, जिनके हाथ लगाने से मरीज शफायाब हो जाता है।
आपने तो मुझे तिब्बी मस्करा बना दिया। तिब्बी मस्करा क्या होता है आपको पता? क्या तो ये सीन है, आज मैं बहुत खुश हूँ उस्मान, हमारी गेती ने फिर से जीना शुरू कर दिया है, वो अब लोगों की भीड़ में आने के लिए तैयार हो गई है। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है, वरना गेती ने जिस तरह खुद को दुनिया से काट के घर तक महदूद कर दिया था, उसे देख देख के दिल बहुत खफा होता था। ये सब पता है ज़ोबिया की वजह से मुमकिन हुआ है, इतनी खुश मिजाज उसका शुरू हुआ और ज़ोबिया ने उसको अपनी बहनों की तरह बना लिया है। मैं तो इसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ उस्मान, कितनी खुशबख्त और प्यारी है ये लड़की, अभी तो ये हमारी फैमिली का हिस्सा बनी भी नहीं है और इसने फैमिली में खुशियाँ फैलाना शुरू कर दी। लगता है कि तुमने अभी से उसे अपनी कर दिया है, मगर पता नहीं दिल में कुछ वसवसे और डाउट्स भी आते हैं उस्मान। आपको असफी का इंटरेस्ट लगता होगा, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैंने कल असफी से बात करने की कोशिश की थी, बस ऐसे ही हल्के फुल्के तरीके से, मगर वो तो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड सा लग रहा था, जैसे ज़ोबिया उसके लिए कुछ है ही नहीं, एक आम सी डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। पता नहीं ये लड़का चलाना तो हम मौका महल देख के सुन से बात छेड़ेंगे, जल्दबाजी में उससे कोई बात नहीं करना। शादी के लिए वो इतनी आसानी से राजी नहीं होगा, तो भी उसे कितनी पसंद क्यों ना हो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा। जी बेड नंबर 15 के पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट्स हैं। बैठ जाए। सर ओपीडी में ड्यूटी है, वहाँ पे काफी रश है। ठीक है, थैंक यू। सर ये आप ही ने तो मंगवाया था? हाँ हाँ राइट। आज उन लोगों को गुस्सा आया हुआ है जो गुस्सा करना जानते ही नहीं। आप भी सुन, अब तुम ही बताओ, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। वो मामू जान फरियाल का फोन आया था, वो मिलने हमसे यहाँ आ रही है। सुन लिया आपने, पता चल गया आपको? पता नहीं इतने सालों के बाद वो क्या लेने आ रही है, किस मुंह से यहाँ आ रही है हमारे पास। और ये गेती है जो सुन के फोन रख देना चाहिए था इसको, मगर उसकी बातें सुन के हमें इतला देने आ रही है कि जी फरियाल आ रही है। मामू जान उसकी कॉल आई तो मैं एक्सपेक्ट नहीं, मना नहीं कर पाई। तुमने बिल्कुल ठीक किया कि फरियाल को यहाँ आने से मना करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान? वो क्या करके गई है और आप कह रहे हैं कि उसका आना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? आप भूल गए उसने हमारे साथ क्या हरकत की है? अरे भाई उसके चाचा का घर है, हमसे मिलने यहाँ आ सकते हैं। सुनेगा तो पता नहीं उस पे क्या गुजरेगी, कैसे रिएक्ट करेगा वो। वो मेरा बेटा है, आप खवातीन की तरह शोर और वावेला नहीं करेगा, बिल्कुल काम और कंपोज रहकर बुलबारी से उसके आने की इतला सुनेगा। ये शोर मचाना आप खवातीन का काम है। छोटी बात होगी आपके लिए, आपकी भतीजी आ रही है, आप उसका इस्तकबाल करें, मैं चलती हूँ। अरे मामू जान आपने तो नाराज ही कर दिया हमें। फिक्र नहीं करो। कैसे हैं आप? ठीक है।
हकीर सा फूल एक खूबसूरत लड़की के लिए। माना कि ये फूल इतना खूबसूरत नहीं जितनी तुम हो, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है। देखो तुम दिल से तुम मेरी मोहब्बत है, मेरे दिल के अंदर तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। और हाँ, कभी किसी की मोहब्बत को हकीर मत समझना, कभी नहीं, सही, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? नाश्ता कर रही है तो मैं यहाँ पे आ गया सुबह सुबह, पता किया था आप यहाँ पे। चलिए अच्छा किया आप यहाँ पे आ गए, मुझे वैसे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। करें? मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ। बस ऐसे आप आपके फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है। सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेंगे आप? चाहिए अब आपको खुद तो आप शादी कर लें पहले। आप मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़ गई। मेरी फिक्र मत करें आप, मेरे नसीब में जब शादी होगी तब हो जाएगी। नसीब तो बनाना पड़ता है। लेकिन अभी तो हम आपके बारे में बात कर रहे हैं ना। देखिए मैं समझती हूँ कि शायद आपको उस तरह से मोहब्बत ना हो जिस तरह आपको अपनी बीवी से थी, लेकिन ताकि आप अपने दुख सुख ना अच्छा बुरा वक्त उसके साथ शेयर कर सकें। हम कोई और बात कर सकते हैं? देखो मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ठीक है मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, पर इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आपने तो एक नॉन सीरियस आदमी को सीरियस कर दिया। मैं वाकई बहुत सीरियस बात कर रही थी, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। स्टेशन नाम की कोई चीज है या नहीं? जहां पे भी देखता हूं स्टाफ या चिट चैट गॉसिप में मशहूर है। जवाब दे मुझे प्लीज। सर मैं अभी चेक कर लेता हूं, बट कुछ डिसिप्लिन होता है या नहीं प्लीज? सर मैं अभी चेक कर लेता हूं, हुआ क्या सर? व्हाट्स गोइंग ऑन? यस एवरीथिंग्स फाइन, आप बस आइंदा ख्याल रखें प्लीज, ठीक है? थैंक यू। Sure, sir. सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस स्टाफ का बहुत नॉन सीरियस मिजाज है। अच्छा लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नोट नहीं किया सुन यार। नहीं है। You sure? It's all fine. Okay. एक रिपोर्ट है जो आपसे डिस्कस करनी थी। मुझे बेड नंबर 5 के पेशेंट की लैब रिपोर्ट सिखाएं। ये ले मिस ज़ूबिया। शराफत तो वो डायलिसिस के लिए आए थे ना? नहीं उनके बेटे उनको पेशाब दिन पहले। पेशेंट की सीरियस कंडीशन देखते हुए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए सुनील। हाँ नहीं सर, मुझे बस यही डर था कि उसके ऑप्टिक नर्व्स ना डैमेज हो रहे हैं। और हाँ लेकिन अब तो सिटी स्कैन देखने के बाद ही कोई हम डिसीजन लेंगे। मैंने पेशेंट की कंडीशन देखते हुए आपको बुलाया था अर्जेंटली डिस्कस करने के लिए। सीटी राइड करवाते हुए टाइम लग गया। प्लीज मुझे एक्सक्यूजेस ना दिया करें। जा रहा था, मुझे लग रहा है कि पेशेंट की ऑप्टिक नर्व्स काफी डैमेज हो गई, तो डॉक्टर शरोज आई थिंक सर्जरी इज अ मस्ट।
ऑफ हो गई है तुम्हारे? हाँ। घर जा रही हो? मैं तो शेरोज का वेट कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। ठीक है। होमसिक तो नहीं हो रही? नहीं। तुम एक काम करो, तुम ऐसा घर चलो, हम जाकर डिनर भी कर लेंगे, मूवी भी देख लेंगे बाद, क्या ख्याल? नहीं आज नहीं, फिर किसी और दिन प्लान करते हैं। तुम जाकर आराम करो। अल्लाह हाफिज। आजकल मैं नोट कर रहा हूँ असन के तुम्हारा रवैया डॉक्टर जोबिया से कुछ ज्यादा हार्श। ऐसी कोई बात नहीं, बस काम तरीके से नहीं कर रही है। लेकिन बात स्वीटली भी तो हो सकती है। शायद मुझे स्वीटली बात करने की आदत नहीं है। हाँ। What sort of training? I'll tell you later. डॉक्टर साहब को थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। चलें। चल। अल्लाह हाफिज़। ना हाफिज़। आपने कहा था 5 मिनट, पूरे 15 मिनट। मैं तो समझी थी उसने गेती से कहा है कि मैं आऊंगी, मुझे ये नहीं पता था कि वो मुंह उठाए चली आएगी। आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो पहले उस टाइम। हाँ जी, कौन आ रहा है? मैं बताता, चंद रोज कबल फरियाल की कॉल आई थी और वो हमारे पास आने की बात कर रही थी। कल शाम को उसका फोन आया था कि वो पाकिस्तान पहुंच गई है और यहां आ रही है। अच्छा, अच्छा किया, यहां अकेला आना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। अब दोनों ने खाना खाया? नहीं। चलें खाना लगाएं। मैं आता हूं। छोटू कहां है? गेती उसे अभी सुलाने ले गई है। ओके। देखा मैंने क्या कहा था, असवन मेरा बेटा है। फरियाल के आने पर उसका बिल्कुल कैजुअल और नॉर्मल रिएक्शन होगा, तुम तो समझता हो। यही तो दुख की बात है, आप उसको बिल्कुल नहीं समझते। वो जितना नॉर्मल दिखाई दे रहा है उतना ही अंदर से दुखी। वो बस हमें नहीं बताना चाहता अपना दुख, वो नहीं शेयर करना चाहता। मैं जानती हूँ ना वो किस चीज से गुजर रहा है। मामा, तुम सोए नहीं हंसते? नहीं अभी तो नहीं, बस ये कुछ जरूरी ईमेल्स को रिप्लाई कर रहा था, उसके बाद भी काम है। नींद क्यों नहीं आ रही? किस बात की स्ट्रेस है? फरियाल का आना तो बस ऐसी मामूली बात है जैसे तुम मुझसे प्रिटेंड कर रहे हो। अच्छा, तो आपकी स्ट्रेस और टेंशन की वजह फरियाल है। उस लड़की की जुर्रत कैसे हो रही है, उसकी कैसे हिम्मत हो रही है कि वो किस मुंह से हमारे घर आ रही है? उसने क्या नहीं किया हमारे साथ? मामा, ऐसी बातों पर इतना इमोशनल क्यों हो जाती? अब बाबा ने बिल्कुल ठीक किया, फरियाल का अपना घर है, जब चाहे वो आ सकती है। वैसे आप ही कहती हैं मेहमान के आने पर मुंह नहीं बनाना चाहिए, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। ये मेहमान रहमत नहीं जहमत है। मैं बिल्कुल इस लड़की को यहाँ नहीं देखना चाहती, और तुम्हारे बाबा हैं। हम आप ये पुरानी बातें भूल जाएं, इतना वक्त गुजर गया है, अब आप आगे की तरफ देखें, माजी भूल जाएं। सच तो ये है अस्वी कि मैं कुछ नहीं भूली, मैं किसी को माफ नहीं कर सकी। मैं नहीं भूल सकती कि जब मेरा जवान बेटा चला गया तो इन लोगों रिजवान, इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं मगर तुम्हारे साथ, मेरे दूसरे बेटे के साथ उसको कितनी अजियत पहुंचाई, उसको कितना दुख पहुंचाया, मैं नहीं भूल सकती अजी। मामा, मुझे कोई तकलीफ और कोई दर्द नहीं, ना कल था और ना आज है। और अगर फरियाल मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी तो क्या इतनी बड़ी बात है?
मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ कि इतने सालों के बाद मैं बस इसी बात पर रोता रहूं? रह गए चाचा जान और चाची जान, तो उन्होंने छोड़ दिया तो क्या इतनी बड़ी बात? आज अगर इतने सालों के बाद फयाल हमसे मिलने आना चाहती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। लाइफ में इससे है बहुत कुछ। मैं समझ गई, तुम अपनी माँ से भी अपना दिल का दर्द नहीं शेयर करना चाहते, सब कुछ अपने अंदर ही सहना चाहते हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जाने ये लड़की किस खुशी में या तना कि इतने सालों के बाद बस मुंह उठाए चली आ रही है। हम सबको तो छोड़ो, रिजवान ने इतने अरसे में कभी अपने भाई से भी रابطہ नहीं किया। फरियाल की शादी के बाद वो दोनों भी जाके कनाडा में सेटल हो गए। फरियाल बस कुछ दिन यहाँ रही, फिर वहाँ चली गई और एक साल के अंदर ही अंदर ये दोनों भी वहाँ चले गए। ये सारी बातें मुझे दुर्दाना से पता लगी। खूनी रिश्ते क्या इतने ही खुदगर्ज और शफाक होते हैं? खूनी रिश्ते, वो कहते हैं ना, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आपने वो मशहूर कॉल नहीं सुना? लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए। क्या हुआ आपके हाथ को? कुछ नहीं, चोट लगी है। हाँ। चोट कैसे लगी? आते आते पैर स्लिप हो गया। दर्द हो रही है? नहीं इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। खुद ब खुद स्लिप हो गया या भाग रही थी इसलिए? नहीं बस थोड़ा जल्दी आना चाहती थी। भागने से बेहतर नहीं है कि इंसान जरा जल्दी उठ जाए? शुक्र है कि चोट ज्यादा नहीं है। हमें दो मिनट का कह के आप यहाँ बैठे, इज एवरीथिंग ओके? नहीं नहीं सब ठीक है, बस आते आते पैर स्लिप हो गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? शी इज फाइन सर, आई हैंडल इट। हैंडल इट केयरफुली डॉक्टर सुंदर। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। एमरजेंसी में जाकर वो टेटनिस का शॉट लगवा लें। नहीं
नहीं, जाके कर ले फिर, एंड मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ दैट. ड्यूटी है, 15-20 मिनट से कुछ नहीं होगा. आप ठीक होंगे तो आप पेशेंट्स को भी ठीक कर पाएंगे. और हाँ, एक बात और, ज्यादा नेगेटिव बातें ना सोचा कर, खुश रहा कर. जो सोच दिल को खुशी दे, इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए. फरियाल आ गई है, चले. अच्छा केती बेटा, तुम आ जाओ. जी आ. लेकिन बहुत खूबसूरत है जगह. आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है. हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. आओ बेटा. अस्सलाम वालेकुम चाची जान. वालेकुम सलाम. कैसी आप? हम सब ठीक है फरियाल. तुम लोग बैठ के कुछ बातें बातें करो ना, कुछ खाने पीने को पूछो. जी मामला मैं पूछती हूँ. परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा. इस तरह मिलते हैं क्या? उस्मान, आप मुझे मेहमान नवाजी और इखलाक के दर्स मत दें. मेरे सबर का पैमाना छलक चुका है. बस मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ. इससे ज्यादा की तवक्को मत रखिएगा. लोगों से रूड और तल्ख तो मैं हो जाया करता हूँ, तुमने मेरी आदतें क्यों अपना ली हैं? मैंने तो अपनी बीवी को हमेशा नर्म, हमदर्द और हर एक पे प्यार निछा. जो एक जवान बेटा खो चुकी है इन्हीं संग दिलों के हाथों जिन्होंने उस पे तोहमतें लगाई, और तोहमतें लगाने वालों में से एक आज हमारे घर में मौजूद है, जो हमारी मेहमान है. और हमारा असफी आज भी उसी की वजह से तना है. आप ये सब भूल जाते हैं. जानवर के बच्चे को भी ठेस लगेगी ना तो जानवर तड़प जाएगा. मैं तो फिर भी इंसान हूं उस्मान. मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकती, मगर मेरे औलाद को दुख देने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती. चाचा जान, ये आपके लिए पापा ने गिफ्ट भिजवाए. अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू. और ये भी बाजी, ये आपके लिए मेरे तरफ से. क्या जरूरत थी फरियाल. थैंक यू. चाची जान, ये आपके लिए. शुक्रिया, रख दो. बेटा फरियाल, तुम यहाँ यहाँ बैठो. आओ बैठो मेरे पास. क्या जरूरत थी बेटा ये सब कुछ करने की, मगर रिजवान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और सबको प्यार देना. अस्सलाम वालेकुम. आ गई हो फिर यार? हाँ. कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
ठीक। बाकी फैमिली नहीं आई? नहीं, सिर्फ मैं आई। अच्छा, आज देर हो गई? नो जी बाबा, वो एक पेशेंट आया था। छोटू का है? साइम, उसको मैंने सुला दिया है, बहुत तंग कर रहा था, कह रहा था सैटरडे मैं जागूंगा, बहुत मुश्किलों से सोया है वो, सो गया अभी। चले मेरे सोने का भी, कल मिलते हैं फिर यार। ओके ओके, गुड नाइट। जो सोच दिल को खुशी दे। अभी क्या, कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। याना, तूने जो मुझे इज्जत दी है उसका भरम रखना, मुझे अपने इरादों पे कायम रखना। उठने लगे? याद है चाचा जान कितना खफा होते थे जब तुम देर से उठते थे? हाँ, डॉक्टर्स की लाइफ में सोना और आराम करना बहुत कम होता है। तुम ठीक से सोए हो? इतने फॉर्मल होके क्यों बात कर रहे हो? एटलीस्ट इतना ही पूछ लो कि मैं कैसी हूँ, मेरी जिंदगी इतने सालों में कैसी रही है, मैं बरसों बाद यहाँ पे क्यों आई हूँ। मैं कभी इतना बद अखलाक नहीं था कि अपने घर आए हुए मेहमान से पूछूं कि वो क्यों आया। वैसे भी तुम्हारा अपना, चलें नाश्ता करें। मेरी डिवोर्स हो गई उससे। इतने अच्छे लग रहे दोनों साथ में, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे, दोनों एक दूसरे के लिए बोलते ना। क्या चल रहा वो बाप रे बाप, इतनी जलन बड़े आंटी, सभी इसको पता तो चल रहा है, लाइक यू नो कुछ तो सब चीजें पता तो चल रही है। ठीक है, फुल जलन 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 में भाई, गुस्सा मत निकाल उस पर जलन में, अच्छी बच्ची है। She is good actually, but अभी वो भी सोच रही है, like you know जैसा उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा चीज सोचना चाहिए mind में and all, लेकिन अभी उसको डर भी है ना कि गलत ना समझे, क्योंकि already उसकी life में बहुत कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो चुका है, तो वो थोड़ा भी ना थोड़ा काफी हिचकिचाएगी वो ये सब सोचने के लिए। सही कहा, सही कहा यार, लेकिन अभी आ गए यार, ये नहीं आनी चाहिए, नहीं जरूरत थी इसकी। और अगर आ भी गई तो अभी वो भी डिवोर्स करके आएगी। और अभी क्या क्या यार, ये गलत बात है, जिसको छोड़ा उसके पास अभी तक, ठीक है और देखते हैं, देखना होगा आगे क्या। लेकिन दूसरा बड़ा डॉक्टर है, बड़ा नोटिस कर रहा है। बी केयरफुल, हैंडल इट विद केयरफुल, लाइक यू नो केयर, आई विल हैंडल इट, हैंडल इट विद केयर। नाइस नाइस नाइस, तो ये ना उसको देखा भी हुआ। ओके ओके, तो समझ गया, चलो देखना होगा आगे और क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।